Hello guys, welcome to the channel. Chapter number 13, H. C. Verma, Fluid Mechanics. Question number 6. If water be used to construct a barometer, what would be the height of the water column at a standard atmospheric pressure? And the pressure is given 76 centimeter of the mercury. So, welcome guys. I am your mentor Anurag Khurana. So, we are doing Fluid Mechanics. Question number 6 of H. C. Verma book. So, थोड़ा सा smart सा question है. तो उसका क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये क्या है कि आपको बैरोमीटर के अंदर जो भी हम पढ़ के आए थे उसके अंदर क्या होता है हमारे पास मर्करी, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके पड़ता है तो उसकी हाइट जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है 76 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर मर्करी की जगह हमने वाटर डाल दिया तो वाटर का कितना लेवल राइज करेगा। सो बात करते हैं कांसेप्ट पे। तो प्रेशर का बेसिक फार्मूला हम जानते हैं कि rho gh, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस का बेसिक फार्मूला क्या है, rho gh। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है रो जी एच, ठीक है जी, रो जी एच। अगर मैं इसको मरकरी के लिए लूंगा फॉर मरकरी बैरोमीटर, किसके लिए, मरकरी बैरोमीटर। जब मैं मरकरी बैरोमीटर की बात करूंगा तो दैट विल बी, ठीक है, दैट इज द, आई हैव टू करेक्ट इट, बैरोमीटर, ठीक है। तो क्या करना है आपको इसके अंदर, मरकरी की डेंसिटी ले लिया, डेंसिटी ऑफ मरकरी, हाइट भी किसकी लेंगे मर्करी। सेम अगर मैं इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्करी बैरोमीटर के अंदर क्या डाल रहा हूं, वाटर, तो डेंसिटी किसकी आने वाली है, वाटर की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज नहीं होगा, h, हां, हाइट ऑफ वाटर, ये कौन सा है, वाटर बैरोमीटर, ठीक है। दोनों मेजर क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, डेंसिटी ऑफ मर्करी मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई that will be height of mercury is equal to density of water g multiply hw, g से g कट, ठीक है। mercury की density भी you know 13,600 kg per meter cube and the height of mercury is 76 centimeter given है, और इसको मैंने 100 से डिवाइड करके क्यों किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा ही इनके अंदर चल रहा हूँ। वाटर की डेंसिटी भी नो कितना 1000 kg, ओके, हाइट ऑफ वाटर ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ओके लेट डू दैट। क्या करना है आपको इसके अंदर बेसिकली, अब 1000 को इधर लेके आता हूं तो दैट विल बी 13.6 मल्टीप्लाई 76 और यू कैन टेक बाय 10 बाय 100, ओके दैट विल बी हाइट ऑफ वाटर। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं दैट विल बी 0.36 मल्टीप्लाई 76 आई विल गेट 10336। तो 10336 डिवाइडेड बाय दैट इज 1000, तो बेसिकली क्या होने वाली है, हाइट मेरे पास आने वाली है ये 10.336 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बी 1033.6 सेंटीमीटर बाय मल्टीप्लाइंग विद 100। तो मेरा आंसर क्या है कि जब मैं पानी लूंगा बैरोमीटर में मरकरी की जगह तो उसका लेवल कितना राइज करेगा, 1033.6 सेंटीमीटर। होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।